ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। पार्टिसिपेट। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आईपीएल के मेगा ऑक्शंस को ज्यादा दिन नहीं बाकी हैं, लेकिन रिटेंशन रूल्स को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज किया जाएगा, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं रिटेन होंगे। हालांकि मैं आपको बता दें कि बीसीसीआई ने पिछले महीने आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ मुलाकात जरूर की थी और शायद इस मामले में भी डिस्कशन हुए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जिनको शायद रिलीज किया जाएगा। लेकिन आगे जाने से पहले प्रोबो के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पर प्रोबो है, प्रोबो को जाकर डाउनलोड करिए और सात सवालों के जवाब दीजिए जहां आप जीत सकते हैं प्राइजेस। सवाल कैसे होंगे? सवाल होंगे क्या इंडिया बांग्लादेश को हरा पाएगा? यस और नो में जवाब दीजिए। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, अपने ओपिनियंस जो है किसी को भी फ्री में मत दीजिए, अपने ओपिनियंस को वेस्ट मत होने दीजिए, सही जगह पर उसका इस्तेमाल कीजिए। सही जगह क्या है? प्रोबो। तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए और प्रोबो पर क्लिक करिए और सवालों के जवाब यस और में दीजिए और जीतिए इनाम। चलिए अब दोबारा से बात करते हैं कि कौन कौन से पांच बड़े नाम जो हो सकता है आईपीएल में मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज किए जाएं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला नाम है जी हाँ एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस। तो पैट कमिंस की अगर बात करें तो पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन से पहले 20.50 करोड़ में खरीदा था। इसके बाद उनको एडन मार्करन की जगह कप्तानी भी दी गई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी किया था पैट कमिंस ने आईपीएल में। उसके बाद हमने देखा था किस तरह से एसआरएच को फाइनल तक कर लेकर भी गए थे। लेकिन रिलीज किया जा सकता है पैट कमिंस को। फ्रेंचाइज एक बड़ा डिसीजन ले सकती है और प्रेफर कर सकती है ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन को बतौर रिटेन करने के लिए, बतौर दो ओवरसी प्लेयर्स। दूसरा नाम जो लिस्ट में आपको दिख सकता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, केएल राहुल का। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान केएल राहुल को 17 करोड़ में एलएसजी ने खरीदा था और लास्ट तीन एडिशन से टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन हमने देखा था किस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बाद संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच में एनिमेटेड कॉन्वर्जेशंस हुई थी। इसके बाद कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि केएल राहुल कोलकाता गए थे संजीव गोयनका से मिलने। क्या मुलाकात हुई थी, रिटेंशन को लेकर वहाँ बात नहीं हुई थी। और कल जब संजीव गोयनका से केएल राहुल के रिटेंशन को लेकर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं किया। तीसरा नाम लिस्ट में है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा रन्स आईपीएल हिस्ट्री में बनाने का ओवरसी बैटर्स के जरिए। इसके अलावा अगर आईपीएल की बात की जाए तो लेजेंड माने जाते हैं डेविड वॉर्नर, लेकिन जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स का सीजन उनके लिए गया था काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था और शायद हो सकता है डेविड वॉर्नर को भी दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर दे। चौथा नाम है युजवेंद्र चहल का। चहल की अगर बात की जाए तो आईपीएल में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने चहल की तारीफ नहीं की है और चहल के पास रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा आईपीएल हिस्ट्री में विकेट्स लेने का, 205। इसके अलावा ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर भी हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, 66। जी हाँ, इसके बावजूद हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स चहल को रिलीज कर दे और शायद संजू सैमसंग, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग को टीम रिटेन करे। फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज, हो सकता है केकेआर के स्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क केकेआर के पास गए थे 24.75 करोड़ में, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट था और जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में था। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से केकेआर ने आईपीएल सीजन जीता था, प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल और क्वालिफायर में, लेकिन उसके अलावा बाकी जो सीज़न था काफ़ी ज़्यादा ठंडा गया था मिचेल स्टार्क का। तो हो सकता है कि केकेआर उनको रिलीज़ करे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल जहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।